यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना पुराना वाला पावर सप्लाई है, तो ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि सफाई देख रहे ना कितना ज्यादा यहाँ पे डस्ट भर चुका है। ये फंक्शन लग रहा है नया कुछ इसमें आया है। कैसे हो लोग, फिर से एक बार वीडियो लेकर के आ गए। आज बहुत दिनों के बाद में मशीन के ऊपर में वीडियो लेकर के आए। अगर आपके पास में CO2 लेजर कटिंग मशीन है ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम इस बार पावर सप्लाई का वीडियो दिखाने वाले हैं। जैसे कि ये अपना पावर सप्लाई आ गया है दिल्ली से, तो अपना मशीन का पावर सप्लाई खराब हो गया था। पावर सप्लाई खराब कौन कौन सा कारण से होता है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, और क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे पावर सप्लाई का लाइफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा वो भी बताएंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने चैनल पर साइनेस से रिलेटेड पूरा वीडियो मिलेगा और मशीन का थोड़ा बहुत सर्विसिंग का वीडियो मेरे पास में मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आया हुआ है पावर सप्लाई, ये है, ये देखिए ये ब्लैक कलर का है, ये देखिए। तो आप में से अगर कोई CO2 लेजर मशीन के है उनको तो पता होगा, जो CO2 लेजर मशीन के नहीं है जिनके पास में उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो बता देते हैं आपको। ये 12000 वोल्ट के आसपास ना ये निकालता है। जैसे कि आप हाई वोल्टेज देखे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर बड़ा बड़ा सा रहता है तो ऐसे करके जब चिंगारी करते हैं तो आग सा लगता है, देखे ना कुछ उसी तरीके से यहाँ से पावर निकलता है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसी का दोनों को स्पार्क करने से आग निकलता है, जैसे कटिंग इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, ये है अपना ऑन ऑफ, ये लग रहा है। अभी जो मेरा पुराना वाला पावर सप्लाई था उसमें ये वाला फंक्शन नहीं था, इसमें दिया हुआ है। हमको लग रहा है डायरेक्ट पावर सप्लाई से जोड़ेंगे इसमें तो पावर घटाने बढ़ाने का ये फंक्शन लग रहा है नया कुछ इसमें आया है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर इन और यहाँ से पावर आउट का है। हाई वोल्ट निकालता है NGW और यहाँ पे L और यहाँ पे H। तो ये सब वायरिंग अभी मिलाएंगे पुराने वाले मशीन में जो था पावर सप्लाई, उसमें सेम वायरिंग अगर होगा तब तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऐसे खपा देंगे। अगर हल्का फुल्का चेंजिंग होगा तो वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो आवाज़ आ रहा है पीछे से ना, बैकग्राउंड में सा आ रहा होगा, तो अपना CNC मशीन कटिंग हो रहा है जिसका आवाज़ आ रहा है अभी, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अभी चलते हैं मशीन के पास में और वहाँ पे देखते हैं अपना कौन सा पावर सप्लाई अच्छा, पावर सप्लाई खराब क्यों होता है वो यहीं पे बात कर लेते हैं, वहाँ पे इतने से आवाज़ नहीं आएगा। पावर सप्लाई वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है उसके कारण खराब होता है। दूसरा कारण है आपका ग्राउंड का अर्थिंग अगर नहीं बना हुआ है तो पावर सप्लाई आपका खराब हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड अर्थिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। तो मेरा ग्राउंड अर्थिंग बना हुआ नहीं था पिछले वाला ऑफिस में, इसलिए मेरा पावर सप्लाई हर समय खराब होते रहता था। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया था, वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा था, जैसे कि 200 से सीधा कट करके 170-180 आ जाता था। तो मशीन उसी बीच में जब ऑन रहता था जिसके कारण वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होने के कारण लग रहा है कि ये पावर सप्लाई खराब हो गया। दूसरा कारण यही है कि बहुत ज़्यादा यूज भी होता है अपना मशीन, वो भी एक कारण हो सकता है। फिलहाल तो इस बार जो हम पावर सप्लाई मंगाए हैं दूसरा मंगवाए हैं, जो कि यहाँ पे आप मॉडल नंबर यहाँ पे सारा चीज़ आप देख सकते हैं कौन सा है। अब इसको हम चलते हैं इंस्टॉल करने के लिए और इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल होता है और पुराना वाला पावर सप्लाई कैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना पुराना वाला पावर सप्लाई है, तो ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि सफाई देख रहे ना कितना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट भर चुका है सभी पे, जहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे सभी तरफ भर गया है। तो हो सकता है फैन वगैरह अच्छी तरीके से इसको हवा ना मिला हो जिसके कारण भी ब्लास्ट, क्योंकि आवाज़ किया था ब्राह्म से आवाज़ किया था, हो सकता है हीट हो करके ब्लास्ट हो गया हो। तो ये चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा थोड़ा थोड़ा, कभी कभी सफाई करते रहिएगा, हम तो नहीं देख पाए, आप इसको सफाई करते रहा कीजिएगा। देख रहे ना कितना ज़्यादा यहाँ पूरा पैक है, मतलब हवा जाएगा ही नहीं यहाँ। अब दूसरा चीज़ आपको मिलाना पड़ेगा सबका यहाँ पे सेम है या फिर अलग है, अगर अलग होगा तो हमको और वायरिंग भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे N तो है सही जगह पे है, G भी सही जगह पे है, P भी सही जगह पे है, H भी सही जगह। हमको लग रहा है कि वायरिंग पूरा सही है, मतलब कहीं पे भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ जैक खपाएंगे और अपना काम हो जाएगा। और ये वाला तो एक्स्ट्रा पार्ट है, मेरे मशीन में है नहीं, इसको लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कटिंग के दौरान में वोल्टेज पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमको लग रहा है वो ये उस चीज़ का है। फिलहाल इसको अभी हम लगाते हैं और यहाँ पे आपको वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो इसको आपको अच्छी तरीके से पैक करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाते हैं। तो ये रहा अपना जैक, ये पावर वाला हम यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं। हो सकता है आपके मशीन में पेचकस से ऐसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने वाला हो, सब में अलग अलग फंक्शन रहता है। तो बस
यही नंबर को आपको मिलाना है, मतलब 5 volt in out G इस सब को मिलाना है और लगा देना है, टेंशन उतना नहीं लेना है। अभी इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, ये अपना लग गया। अच्छा यहाँ पे जो एक और दिया हुआ है ये वाला इसका यूज क्या है, इसके ऊपर मैं अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए ना तो आप कमेंट करिएगा, तो इसका भी जो एक आता है छोटा सा ऐसे बल्ब टाइप से पावर घटाने बढ़ाने का, तो उसके ऊपर वीडियो हम जरूर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे इसको अभी लगा लेते हैं और ये रहा अपना, इसको इस तरीके से लगा करके तो टाइट कर देना है। तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसमें अगर हल्का फुल्का भी अगर ब्लैक टेप ये सब का किसी भी नमी टाइप का कुछ है तो पेट्रोल से इसको साफ कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे आप ये ले लीजिए थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पे रहता है, मतलब ऐसा वोल्टेज रहता है ना यहाँ पे लगेगा पूरा चिंगारी टाइप का, इतना ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे रहता है। तो थोड़ा सा इसको लगा लेना है और इसको यहाँ पे ऐसे करके टाइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से भी टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे। आप नया अगर जैक ये भी नया है तो ऐसा दिक्कत नहीं आता, लेकिन फिर भी रिक्स नहीं लेते, बाद में जा करके स्पार्क करने लगता है, इसलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए। इसमें टेफ्लॉन टेप पूरे अच्छी तरीके से लगा लेंगे और उसके बाद में ब्लैक टेप भी इसके ऊपर लगाना है अभी। अच्छा अगर आप पार्ट्स मंगवाना चाहते हैं, ये पावर सप्लाई या फिर आप इंजीनियर का सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो ये जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको CO2 लेजर मशीन, राउटर मशीन, प्लॉटर मशीन, सारा मशीन अवेलेबल मिल जाएगा, साथ ही साथ इनका सर्विस भी आपको मिल जाएगा, पार्ट्स जो भी चीज़ चाहिए आपको वो पार्ट्स भी बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा इस वाले नंबर पे। अब इसके ऊपर मैं ना ब्लैक टेप पूरे अच्छी तरीके से, मतलब एक ब्लैक टेप को तो यहाँ ख़त्म कर ही देना है, और कहीं पे भी अगर यहाँ से भी आपका लीक हो जाता है या कहीं पे भी ये वायर में रेड वाला वायर में कहीं पे भी आपका वायर लीक हो जाता है, स्पार्क करता है ना, तो आपको जैसे हम अभी किए ना इसी तरीके से पहले पेट्रोल से साफ करके टेफ्लॉन टेप लगा के और एक ब्लैक टेप या फिर दो ब्लैक टेप आपको यहाँ ख़त्म करना ही पड़ेगा, मतलब लगाना ही पड़ेगा, तब जा करके आपका करेंट रुकेगा। तो अब बारी आता है नेगेटिव वाला को वायर को जोड़ने का, ये वाला पॉजिटिव तो जोड़ दिए, ये है नेगेटिव, ये रहा। इसमें उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसमें सिर्फ ब्लैक टेप भी आप मारेंगे तो काम चल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, मेन जो लोड लेना था इसमें ही था। अच्छा मशीन भी अपना काफ़ी पुराना हो गया है, क्या बोलते इस मशीन को सेल करके कुछ नया मशीन ले लिया जाए क्या, कमेंट में बताइएगा। तो अगर कोई लेना चाहते हो तो उसके लिए भी एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। 100 वाट का मशीन है, कुछ नया मशीन लाते हैं। अब देखिए इसमें अर्थिंग भी वायर आ गया है, यहाँ पे अर्थिंग का वायर यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये अपना अर्थिंग का वायर हम यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। ये पे अगर पॉइंट दिया होगा तो यहाँ पे डाल देते हैं, ये ग्राउंड अर्थिंग है, ग्राउंड अर्थिंग को भी हम यहाँ पे कहीं पे कनेक्ट कर देंगे ताकि थोड़ा सा सेफ्टी और हो जाए। तो इधर कहीं पे अर्थिंग का स्क्रू नहीं दिख रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे खैर यही स्क्रू को खोल के यहाँ पे कहीं पे भी अब इसको टाइट कर देते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये हो गया अपना पूरी अच्छी तरीके से फिटिंग, और अपने चैनल पे ना मशीन का ट्यूब इंस्टॉलेशन से लेकर के अलाइनमेंट और मतलब जो जो भी काम होता है सारा चीज़ का वीडियो डाला हुआ है, डाला इसको करते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगा आपको। आप चेक करते हैं लेज़र देकर के, लेज़र यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है या फिर वहाँ स्पार्क हो रहा है क्या हो रहा है। हो चुका है कुछ कटिंग, देखते हैं आ गया लेज़र यहाँ तक आ गया अपना, देखो सनबोर्ड में मार्किंग कर रहा अभी, ठीक है। उधर स्पार्क तो नहीं हो रहा, यहाँ पे स्पार्क कहीं पे नहीं हो रहा है। तो अपना पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। पार्ट्स का कोई सा भी आपको इंक्वायरी हो या फिर सर्विस लेना हो इस वाले नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अपने मुश्ताक भाई काफी अच्छे सर्विस मिलता है इनका, पार्ट्स बेस्ट प्राइस में आपको मिलता है। और कई बार ऐसा देखे ना, लोग पार्ट्स कहीं और से मंगवा लेते हैं और हमको वीडियो कॉल करते हैं कि इसको बता दीजिए कैसे इंस्टॉल होता है, तो ऐसे जगह मत पड़िए जहाँ पे पार्ट्स आपको देते हैं और इंस्टॉलेशन तक का बता नहीं रहे, तो फिर ऐसे जगह क्यों आप परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए आप मुश्ताक भाई से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए इस वाले नंबर पर और वहाँ पर आप पार्ट्स लीजिए या फिर जो भी चीज़ आपको लेना है, मशीन नया लेना है, चलो भी लेना है, आप वहाँ पर लीजिए, अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए और इसी तरीके वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बाद नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।